हेलो, वेलकम टू मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर डे का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, मतलब एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। इन तीन क्वेश्चंस का आप लोग को सॉल्यूशन चाहिए था, 15, 16 और 20 मैं डिस्कस करूंगा। और आप लोग क्वेश्चन को पॉज करके, अगर आप नए हो इस चैनल में, एप्टीट्यूड क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, फिर सॉल्यूशन देख सकते हो, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 15 अगस्त को दिया था। देखिए, सपोज द रेटिंग्स ऑफ फाइव प्लेयर्स, प्लेयर्स का नाम मेरा दोस्त लोग का नाम ही है, आर ऑल डिस्टिंक्ट। ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। देखिए नेक्स्ट लाइन में जो पढ़ा हुआ है, द एवरेज ऑफ अकली एंड सेनिमाइस रेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एवरेज। तो एवरेज मतलब जैसे वो लोग का रेटिंग मान लेते हैं कि अकलीमा का रेटिंग 10 है और सिनेमा का रेटिंग 20 है। ठीक है, तो इन दोनों का एवरेज, जैसे 10 इसका निकालिए, एवरेज क्या होगा, 10 + 20 / 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, 15। तो मतलब इन दोनों का जो एवरेज है रेटिंग का, तो आंसर जो एवरेज होगा ये इन दोनों के बीच में लाई करेगा ना, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। जैसे मान लेते हैं, आप कुछ भी मान लो कि अकली का रेटिंग 100 है और सिनेमा का रेटिंग 200 है, तो जो एवरेज बनेगा इन दो रेटिंग का, तो वो कहां लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अभी देखिए इस क्वेश्चन को ना, आप अगर यहां से प्रोसीड करो, मतलब यहां से अगर प्रोसीड करोगे तो थोड़ा कॉन्फ्यूजन लग सकता है आंसर निकालने में। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, फिर इब्रा इज हायर रेटिंग देन सेनिमा, ये एक सेकंड स्टेटमेंट, उसके थर्ड, तीन स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। उसके बाद आपको निकालना है कि जो फाइव प्लेयर्स है उनमें से थर्ड हाईएस्ट रेटिंग किसको मिला है। तो मैं जहां पे ना, जो स्टेटमेंट आपका एकदम क्लियर है तो वहां से स्टार्ट करो। मतलब एप्टीट्यूड क्वेश्चन में ना, मतलब क्वेश्चन करने में बहुत वेस है ना, लेकिन हम लोग को वो आंसर, वो वे चूज करना है जो मतलब जल्दी जल्दी आंसर दे दे। तो देखिए ये देखिए सेकेंड स्टेटमेंट जो है, इब्रा इज हायर रेटिंग देन सिनेमा, ये तो क्लियर है ना, ये पढ़ के आपको कुछ सोचना है क्या, नहीं ना। तो ये स्टेटमेंट आप पकड़ो कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो इब्रा है इसका रेटिंग जो है वो ज्यादा है किससे, सेनिमाई से। तो आप यहाँ पे लिख दो, मैंने लिख दिया, आप वैसे डायग्रामेटिकली लिख दो। उसके बाद अभी यहां से ये स्टेटमेंट हो गया, अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, यहाँ पे क्या बोला गया, एंड सेनिमाइस रेटिंग इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ निखिलेश एंड खिलपी। ठीक है, एवरेज का मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या बोला गया, जो सिनेमा का रेटिंग है ना वो निखिलेश और खिलपी का एवरेज है। मतलब निखिलेश का रेटिंग और खिलपी का रेटिंग के बीच सिनेमा का रेटिंग होगा, ये बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, ये समझ में आएगा नहीं आपको, यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे यूज होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे देखिए, इस इक्वल टू द एवरेज ऑफ निखिलेश एंड खिलपी, तो मैं यहाँ पे निखिलेश लिख देता हूं ऊपर और नीचे खिलपी लिख देता हूं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच लाई कर रहा है ना सिनेमा का रेटिंग, है ना। लेकिन और एक केस बनेगा, इब्रा ऊपर है, सिनेमा यहाँ पे है, अभी खिलपी भी तो ऊपर हो सकता है ना सिनेमा के, और निखिलेश नीचे हो सकता है, तो भी तो एवरेज सिनेमा बीच में लाई कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं बोला गया ना कि निखिलेश का रेटिंग सिनेमा से ज्यादा है, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे दो केस बनेगा, एक तो ऐसा निखिलेश और खिलपी, मतलब निखिलेश ऊपर खिलपी नीचे और खिलपी ऊपर निखिलेश नीचे। ठीक है, तो दो केस बना, यहां तक आपका क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद दो स्टेटमेंट हो गया, अभी ऊपर वाला स्टेटमेंट पढ़िए, द एवरेज ऑफ अकली एंड सेनिमाइज रेटिंग, द एवरेज ऑफ अकली एंड सेनिमाइज, यहाँ पे सेनिमाइज है, द एवरेज ऑफ अकली एंड सेनिमाइज रेटिंग इज इक्वल टू द मिनिमम ऑफ द रेटिंग्स ऑफ निखिलेश एंड खिलपी। मतलब निखिलेश का रेटिंग हम लोग के पास कुछ है और खिलपी का रेटिंग कुछ है, तो इन दोनों का जो कम वाला रेटिंग होगा मिनिमम, वो अकली और सेनिमाई के बीच में रहेगा। तो मतलब अकली का जो रेटिंग है वो नीचे ही रहेगा ना। देखिए यहाँ पे सेनिमाई है और अकली यहाँ पे ही होगा ना, इसके बीच ही, तो मिनिमम मतलब मिनिमम एवरेज मतलब क्या, ये बीच में ही रहेगा। तो मतलब
एवरेज ऑफ अक्लियन सिनेमाइज रेटिंग, एवरेज ऑफ अक्लियन सिनेमाइज रेटिंग इज इक्वल टू द मिनिमम ऑफ द रेटिंग ऑफ निकिलेशन. हाँ तो मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब अक्ली तो नीचे ही आएगा ना. और हम लोगों को क्या क्वेश्चन में पूछा गया, थर्ड हाईएस्ट रेटिंग. तो यहां से आप स्टार्ट करो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. थर्ड तो आप सिनेमा ही रहेगा ना, मिनिमम कुछ भी होने दो. इन दो केस में मिनिमम कुछ भी होने दो, यहाँ पे मतलब निखिलेश यहाँ पे होने दो या खिलपी यहाँ पे होने दो, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता ना. हम लोग को क्या फर्क पड़ता है, थर्ड हाईएस्ट रेटिंग कौन रहेगा, थर्ड हाईएस्ट रेटिंग सिनेमा ही रहेगा ना. तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, मैं भी फर्स्ट ट्राई में नहीं कर पाया था इसलिए मैंने शेयर किया. तो सिनेमा ही आंसर हो जाएगा. ठीक है, आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं और ट्राई करूंगा समझाने के लिए. 21 लोग ने आंसर किया, थैंक यू सो मच फॉर द रिस्पॉन्स. और 90% लोग ने सही किया, बहुत अच्छा है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिनेमा ही करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम के ऊपर है. ठीक है, वेन डायग्राम, तो डायग्राम बना लेते हैं. वेन डायग्राम ऐसा होता है. ओके, इन ए हाउसिंग कॉलोनी ऑफ 50 पीपल, ठीक है, मतलब टोटल 50 है हम लोग के पास. 30 पीपल यूज मोटर बाइक. अच्छा तो हम लोग बना लेते हैं एक. हाँ तो यहाँ पे 30 है, 30 पीपल यूज मोटर बाइक. उसके बाद 24 यूज कार. ओके, डिसजॉइंट तो नहीं बोला गया है, हम लोग ऐसा करके बनाएगा. 24 यूज कार, ठीक है. एंड 9 यूज नाइदर कार नॉर मोटर बाइक, मतलब 9 बाहर रहेगा, मतलब वो मोटर बाइक भी यूज नहीं करता, कार भी यूज नहीं करता. तो हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी पीपल यूज बोथ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ये निकालना है. ये कॉमन वाला एरिया, ये कार भी यूज करता है, मोटर बाइक भी यूज करता है, ये वाला एरिया हम लोग को निकालना है. तो इसको हम मान लेते हैं एक्स, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स. टू फाइंड एक्स, ठीक है, तो इसको आप कैसे निकालोगे, देखिए, नो कार नो मोटर बाइक, तो ये कितना जाने हम लोग के पास, 9 है ना, 9. और हम लोग के पास टोटल कितना है, 50 पीपल है. उनमें से हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, मोटर बाइक यूज करने वाला, कार यूज करने वाला. अभी देखिए, नो कार नो मोटर बाइक का 9. अभी मान लेते हैं कि वो एक कार चलाता है, मतलब ओनली कार चलाता है, सॉरी ओनली कार. तो ओनली कार यूज करने वाला कितना जन होगा, देखिए कार यूज करने वाला 24 है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है क्या कि 24 यूज कार ओनली, ऐसा बोला गया है क्या, नहीं ना. तो मतलब यहाँ पे जो 24 है ना, ये पूरा इसको मीन करता है, इसको इसको इसको, इसको मीन करता है 24. और हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए जो सिर्फ कार यूज करता है. तो जो कार यूज करेगा वो कौन सा पोर्शन होगा, ये पोर्शन होगा जो बस कार यूज करेगा. और इसका वैल्यू क्या होगा, अगर पूरा ये 24 है और ये अगर x है, तो ये वाला 24 माइनस x हो जाएगा ना, ये वाला एरिया. ये समझ में आया कि नहीं, यही बस आपको समझना है. तो ओनली कार क्या हो जाएगा, 24 माइनस x. अगर क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा बोला जाता कि 24 यूज कार ओनली, तब हम लोग यहाँ पे सिर्फ 24 पुट करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं बोला गया, तो हम लोग को वो माइनस करना है, ये वाला जो कॉमन वाला पोर्शन है इसको माइनस करना है. ठीक है, ओके. अभी सिमिलरली ओनली मोटर बाइक क्या होगा, ओनली मोटर बाइक 30 माइनस एक्स, सेम कॉन्सेप्ट से. टोटल अगर 30 है, ये वाला 30 है, तो ओनली मोटर, ये ओनली मोटर बाइक क्या रहेगा, 30 माइनस एक्स. ठीक है, उसके बाद बोथ कार एंड मोटर बाइक, ये हम लोग ने, ये तो हम लोग को निकालना ही है, और ये हम लोग ने किया एज्यूम किया एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे मतलब फॉर्मूला वॉर्मूला याद नहीं करना, अगर आप ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करोगे ना, तो फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज ही नहीं करेगा. देखिएगा, हाँ अभी हम लोग के पास टोटल कितना है, 50. तो मतलब 50 में से मैंने ये केस बना लिया, यही तो केस रहेगा ना 50 में से. आइदर वो लोग कार और मोटर बाइक यूज नहीं करेगा, आइदर ओनली कार यूज करेगा, आइदर ओनली मोटर बाइक यूज करेगा, या दोनों यूज करेगा. तो सबका प्लस कर दो, 9 प्लस 24 माइनस एक्स प्लस 30 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 50. ये सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ये एक्स एक्स कैंसल, ये 24 प्लस 30
54, 54 प्लस 9 63, माइनस एक्स इक्वल टू 50, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इक्वल टू 13, विच इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूला यूज किया क्या? नहीं ना, तो मतलब आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपका क्लियर हुआ। तो यहाँ पे 56 लोग ने आंसर मतलब रेस्पॉन्ड किया, थैंक यू सो मच फॉर द रेस्पॉन्स, और 89% लोग ने सही किया, बहुत अच्छा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रूथ और लाई के ऊपर है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ना? देखिए यहाँ पे तीन बॉक्सेस दिया हुआ है, बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री। इन तीनों बॉक्स में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ऑन ईच बॉक्स देयर इज अ स्टेटमेंट, मतलब बॉक्स में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और यहाँ पे और एक दिया हुआ है एग्जैक्टली वन ऑफ विच इज ट्रू। मतलब इन जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना बॉक्स में, जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, उसमें से सिर्फ एक ही करेक्ट है, वन इज ट्रू। ठीक है, ओनली वन इज ट्रू। ठीक है, ओनली वन इज ट्रू। अभी वो तीनों बॉक्स के अंदर एक कार है, मतलब एक में कार है, एग्जैक्टली वन ऑफ विच इज अ कार, यू कैन कीप द कार, यू विल पिक द करेक्ट बॉक्स। ठीक है, तो विच बॉक्स इज द कार, हम लोग को मतलब चूज करना है कि कौन सा बॉक्स में हम लोग के पास कार है। तो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे? बॉक्स वन में स्टेटमेंट लिखा हुआ है द कार इज इन दिस बॉक्स, बॉक्स टू में लिखा हुआ है द कार इज नॉट इन दिस बॉक्स, बॉक्स थ्री में लिखा हुआ है द कार इज नॉट इन बॉक्स वन। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब करोगे ना, ऑप्शन से आप करो तो इजी होगा। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन से करेंगे। तो लेट अस एज्यूम, ये देखिए, ये बॉक्स वन, ये बॉक्स टू, ये बॉक्स थ्री। अभी हम लोग पहले वाले को चूज करते हैं। लेट अस एज्यूम बॉक्स वन हैज द कार, मतलब हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इसके अंदर कार है। ठीक है, इसके अंदर कार है। अभी हम लोग स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। अभी देखिए बॉक्स वन क्या बोलता है, द कार इज इन दिस बॉक्स। बॉक्स वन क्या बोल रहा है, द कार इज इन दिस बॉक्स। तो ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है? यस, ट्रू है, क्योंकि कार तो इसके अंदर ही है, ट्रू है। अभी देखिए बॉक्स टू क्या बोल रहा है, द कार इज नॉट इन दिस बॉक्स। बॉक्स टू बोल रहा है कि मेरे पास कार नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी तो ट्रू ही है ना, क्योंकि टू के पास तो कार नहीं है। अभी बॉक्स थ्री बोल रहा है द कार इज नॉट इन बॉक्स वन। बॉक्स थ्री बोल रहा है कार वन के पास कार नहीं है, विच इज फॉल्स। ठीक है, अभी ये जो हम लोग ने निकाला एज्यूम करके, स्टेटमेंट्स को हम लोग चेक किया, तो ये सही होगा क्या? हम लोग ने जो एज्यूम किया ये सही है क्या? नहीं है सही। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास स्टेटमेंट में बोला गया कि तीन स्टेटमेंट में से सिर्फ एक ही करेक्ट है, ओनली वन इज ट्रू, और हम लोग के पास क्या मिला, दो स्टेटमेंट्स ट्रू मिल गया ना, तो विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम लोग ने क्या एज्यूम किया था कि बॉक्स वन के पास कार है, विच इज फॉल्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे इजीली हम लोग कर पाएंगे। अभी बॉक्स टू को एज्यूम करते हैं, ये तो नहीं होगा। अभी बॉक्स टू को एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम बॉक्स टू हैज द कार, ये टू है मतलब टू के पास कार है। तो अभी हम लोग स्टेटमेंट को चेक करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, द कार इज इन दिस बॉक्स, द कार इज इन दिस बॉक्स। नहीं, ये तो गलत है, वन के पास तो कार नहीं है, टू के पास कार है। ठीक है, उसके बाद बॉक्स टू, द कार इज नॉट इन दिस बॉक्स, द कार इज नॉट इन दिस बॉक्स बोल रहा है, तो ये भी तो फॉल्स है ना, क्योंकि बॉक्स टू के पास ही कार है और ये बोल रहा है कि मेरे पास कार नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। और नंबर थ्री क्या बोल रहा है, द कार इज नॉट इन बॉक्स वन। बॉक्स थ्री बोल रहा है वन के पास कार नहीं है, विच इज ट्रू। ठीक है, तो हम लोग ने जो एज्यूम किया था उसके बाद हम लोग ने जो स्टेटमेंट को चेक किया, तो हाँ तीन स्टेटमेंट में से सिर्फ एक ही ट्रू है, तो ये हम लोग केस कंसीडर कर सकते हैं, मतलब बॉक्स टू के पास ये करेक्ट है। ठीक है, अभी आप बॉक्स थ्री को भी मैं चेक कर देता हूं। अभी हम लोग अगर एज्यूम करेंगे कि बॉक्स थ्री के पास कार है, मतलब यहाँ पे अगर कार है, यहाँ पे कार नहीं है, तो हम तब आप चेक करो स्टेटमेंट्स को, द कार इज इन दिस बॉक्स, ये फॉल्स है, द कार इज इन दिस बॉक्स, हाँ ये फॉल्स है, द कार इज नॉट इन दिस बॉक्स, हाँ ये तो ट्रू है,
क्योंकि टू के पास तो कार नहीं है ना, द कार इज नॉट इन दिस बॉक्स. हाँ ये ट्रू है. अभी द कार इज नॉट इन बॉक्स वन, द कार इज नॉट इन बॉक्स वन, हाँ ये भी ट्रू है. तो हम लोग के पास दो स्टेटमेंट ट्रू हो गया ना, तो ये हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, तो बॉक्स थ्री भी करेक्ट हो जाएगा. और ये कैनॉट बी डिटरमाइन तो नहीं होगा, क्योंकि हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे. तो ऐसा टाइप का प्रॉब्लम्स को आप ऑप्शन से चेक करोगे तो इजी रहेगा. तो आई होप आपको समझ में आया. अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बोल सकते हो. ठीक है, तो यही था आज के वीडियो में. मैंने तीन क्वेश्चन डिस्कस किया. और अगर आप नए हो इस चैनल में तो चैनल को चेकआउट करके सब्सक्राइब कर सकते हो. मैं डेली सुबह एप्टीट्यूड का क्वेश्चन शेयर करता हूँ और इसका सॉल्यूशन मैं ट्राई करता हूँ प्रोवाइड करने जो आप लोग को चाहिए. और रात को मैं मैथ्स का क्वेश्चन शेयर करता हूँ. ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो आपके फ्रेंड्स के साथ. और अगर वीडियो अच्छा लगे, कुछ भी नया सीखने को मिला, तो लाइक कर सकते हो. वही था आज के वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू फॉर योर टाइम. सॉरी अगर कुछ भी गलती हुआ. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक चलते रहिए, चलाते रहिए खुद के गाड़ी को आराम से. मिलता है.